बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट कर ली थी, तो अब शुरू कर रहे हैं 2.7 से। फर्स्ट क्वेश्चन देखें इसका। किसी ऐसे नंबर की पावर इसका बनाना है जिससे पावर से पावर कैंसिल हो जाए। 8 किसका क्यूब होता है? हमें सबको पता है कि 8 होता है 2 का क्यूब। ये वाली पावर इसके ऊपर ऐसी आ जाएगी। 36 होता है 6 का स्क्वायर, यानी 6 6 36। कुछ बच्चे इतनी बड़ी मिस्टेक करते हैं कि डायरेक्ट 6 को 2 से कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। 6 6 36, इसलिए 2 लगाया कि 6 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36। पावर से पावर कैंसिल, पावर से पावर कैंसिल, क्योंकि सेम पावर थी। 2 × 6 2 6 12 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी एक्सरसाइज का। (64) को अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको नहीं पता कि किसका, तो आप डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए इसका। 2 3 6 2 2 4 2 1 2 6 12 2 8 2 4 2 2 1 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6 बन रही है, और ये है -1/6। 6 से कैंसिल हो गया, ये -1 है, इसको अपॉन में लेकर जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे इसी एक्सरसाइज का, जो कि है ये। (256) का आप लोगों को डायरेक्ट नहीं पता है, तो आप इसका एलसीएम लीजिए। 2 1 2 2 2 4 2 8 16 2 6 12 2 4 8 2 3 6 2 2 4 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बन रहा है 2 की पावर 8 एक्स पर स्क्वायर 1/2। ये दोनों पे अप्लाई होगा, इस पर भी और इस पर भी अप्लाई कर दें। 2 4 8 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 4 बन गई, और एक्स 2 की पावर 4 का मतलब ये है कि 2 को 4 से हरगिज़ नहीं करना है, 2 को 4 दफ़ा करना है। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 6 वे यार 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16/(x). ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला सॉल्व कर रही हूँ। 3 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 आता है। बाकी रही है पावर जो सब पे अप्लाई हो रही है। 4 से 4 कैंसिल, 4 2 8 4 से 4 कैंसिल, 3 x की पावर -2 और z, अब ये -2 है, सिर्फ हम इसको नीचे लेकर आ जाएंगे, बाकी पूरी वैल्यू ऐसे ही रहेगी, तो ये प्लस में आ जाएगी और ये आपका हो गया आंसर। अब इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन मैं कर रही हूँ नंबर 5, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 इसका ये रहा। 27 8 − n/3 18 − n/2। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी है। 27 बनता है 3 की पावर 3। 3 3 दा नहीं करना है, 3 को 3 दफ़ा करेंगे तो आएगा 27। पावर ऐसी आ गई। 8 का आता है, 2 को हम 3 दफ़ा करते हैं तो 8 आता है। 18 के लिए एलसीएम ले लीजिए। 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 2 एक दफ़ा
और 3 दो दफ़ा, ये कैंसिल, ये वाला कैंसिल, इसमें अप्लाई करो, टू पे लग रहा है माइनस एन अपॉन टू, और 3 के लिए से कैंसिल आएगा तो माइनस एन बच जाएगा। जब जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स को मैंने पहले भी बताया था कि आप लोग प्लस माइनस कर सकते हैं, 3 की पावर 2n, ये माइनस एन ऊपर जाएगा 3 के पास तो ये प्लस एन हो जाएगा। सेम को सेम से करना है, 3 को 2 से मत कर दीजिएगा। माइनस एन अपॉन टू ये ऊपर जाएगा, प्लस एन अपॉन टू हो जाएगा, 2n प्लस 1n तो 3n हो जाएगा। अब ये जो है ना, इसको रफ्त में करते हैं, ये है माइनस एन प्लस एन अपॉन टू, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 1 में 2 कब आता है, 2 था, 2n था 2n, और माइनस मैंने लगाया इसका, 2 में 2 कब आता है, 1 था 1n था 1n, 1 लिखते नहीं है, माइनस प्लस माइनस, 2 माइनस 1 1 लिखेंगे नहीं, साइन बड़े की आती है, बड़ा 2 है, अपॉन 2, तो ये बन रहा है माइनस एन अपॉन टू।